आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, कभी कभी ये सोचकर बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बिहार तरक्की करने के बिल्कुल बहुत करीब है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो बिहार में बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर राजगीर जहाँ क्रिकेट एकेडमी से लेकर स्टेडियम और जू सफारी से लेकर फिल्म सिटी तक, ये सब कुछ बिहार में होने जा रहा है। मैं यहाँ पर किसी सरकार के तारीफ के पुल नहीं बांधने जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपने बिहार के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अपने उभरते बिहार के बारे में, जिसका सपना हम सारे बिहारियों ने मिलकर देखा था। और पता नहीं कितने साल पहले से ऐसे सपने हम देखते आ रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार हम राजगीर पर आज नज़र डालेंगे कि राजगीर में क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं और राजगीर कितना ज़्यादा ग्रो करने वाला है और उससे हमारे बिहार को कितना फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम व राज्य खेल अकादमी के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। यह 90 एकड़ में 633 करोड़ रुपए से बनने जा रहा है, जिसमें BCCI की भूमिका बहुत अहम रही है। BCCI को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी कराने हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि कभी हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की शान रहा था, वो फिर से बिहार में बनकर तैयार होगा। उसके अलावा जू सफारी पार्क, जहाँ पर आप गाड़ी में बैठकर शेर से लेकर तमाम वो जंगली जानवर देख सकेंगे, जिसके लिए आज हमें किसी दूसरे स्टेट में जाना होता है। इसके अलावा ग्रीन सफारी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स अकाडमी, इसके साथ ही फिल्म सिटी, ये जब सभी योजनाएं पूरी हो जाएंगी तब राजगीर का स्वरूप कैसा होगा, सिर्फ एक बार कल्पना करने की बात है। और हम चाहेंगे कि ये कल्पना बहुत जल्द साथ आ जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के वक्त में बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर खेलते हैं, उनको जब अपने ही घर में प्रशिक्षण और खेलने का मौका मिलने लगेगा तो हमारे आने वाले बच्चों को इससे कितना लाभ होगा। अभी इंडियन टीम में बिहार से कोई नहीं है, ये आपको पता होगा कि बिहार का कोई खिलाड़ी अभी इंडियन टीम में नहीं है, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे यहाँ वो साधन नहीं है। लेकिन जब ये साधन हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे घर से भी बच्चे निकलेंगे। इंडोर स्टेडियम में सभी प्रकार के खेल की सुविधा होगी, बाहर फुटबॉल और हॉकी भी खेला जा सकेगा। ऐसा इंतजाम हो रहा है कि बिहटा, पटना और गया एयरपोर्ट से राजगीर पहुंचने में 50 मिनट से 1 घंटे लगेंगे। वहीं भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और कला संस्कृति विभाग के सचिव ने कहा है कि अकादमी व स्टेडियम 2 साल में बन जाने की पूरी संभावना है। राजगीर के ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक और पुरातात्विक महत्व है, ये सबको पता है। लेकिन जब इसके अलावा वहाँ पर और चीजें जब मुहैया होंगी तो बिहारवासियों को इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के पास 5 एकड़ जमीन है। वहाँ कोई 5-स्टार होटल बनाना चाहे तो वो बना सकता है, ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव कर रहे हैं, यह दुनिया में अद्वितीय होगा, किसी भी विश्वविद्यालय से इसकी तुलना नहीं की जा सकेगी। बिल्कुल हमारे बिहार की यह शान रही है, और उस टाइम पे जब नालंदा यूनिवर्सिटी था तो ये दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। वहीं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सेंटर भी होगा, जो दुनिया भर के विवादित मसलों के निपटारे से ताल्लुक रखेगा। आपको बता दें कि बिहार का राजगीर पांडवों के पिता पांडु से लेकर महात्मा बुद्ध के आगमन तक इसका गवाह रहा है। वेणुवन, घोड़ा कटोरा को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। वहीं गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध की ऊंची प्रतिमा तैयार है। यह पूरा इलाका इको टूरिज्म का हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय यही है और जरासंध का अखाड़ा भी। इस धरती पर भगवान महावीर, मखदूम साहब और गुरु नानक देव आकर रह चुके थे।